अरे कर रहा वो मेरे दोस्त के अंदर तो मेरे साइकिल में दौड़ती है मैं अरे कर रहा बहुत खूब। और मैं चाहूंगा कि अभी शुक्रिया, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मूवी के लिए, अजब तमाशा शाबाश, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे अकबर बिन तबर का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके सामने। और सभी हमारे दोस्त हैं, आरिफ भाई, सभी हमारे सब भाई वाले जितने भी लोग भाग ले रहे हैं इस फिल्म में, रोल कर रहे हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया, मैं आपका तहदिल से मशहूर हूँ। इतने दूर से आके मैं याद करे भाई तुम हाँ नहीं तुम क्या बोले जब इंट्रोडक्शन के, क्या बोले ये अकबर बिन तबर है होते अच्छे अच्छों की कमर हाँ कमर क्या हंसा हंसा के मारते हैं लोगों ये रखते हैं अच्छे अच्छों की खबर। इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े उम्दा कलाकार हैं, हैदराबाद में बहुत नाम है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। आपके साथ हमारी दुआएं, आपके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सबको मिल चुका, थैंक यू। एकदम नहीं, जानी भाई की तारीफ करना ही नहीं है, कहीं को बोलो आप गुलाब के फूल को इतर की जरूरत नहीं है, जानी में गुलाब का फूल है और हर जगह से महकते रहो। और ये जाली पाना है, जाली पाना था ब्लैक जो नटा खोलता था गाड़ियों को हर को, तो जानी भाई क्या है, गरीब अमीर छोटा बड़ा, बड़ा कॉमेडियन मोटा कॉमेडियन दुबला कॉमेडियन बच्चा कॉमेडियन सिंगर्स एक्टर सब कैसे अगर उन्हें चले जा रहे तो उसको बुला के इधर कहाँ जा रहा सेल्फी लेके जा, तो वो जानी भाई है। तो जानी भाई को बस हर कोई हर कॉमेडियन ये तो भाई सीधी बात मैं आज ये सारी मीडिया है उनके सामने एक ही बात बोलूंगा कि जानी भाई इसमें गॉड फादर ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हैदराबाद के लोग सुनने दो, पूरे वर्ल्ड के सुनने दो, क्योंकि मैं जानी भाई को मैं इसलिए चाहता हूँ कि जानी भाई मेरे को अपना एक छोटा भाई समझते हैं। वो मुझे इतना प्यार दिए कि हम हैदराबाद के हैं और हैदराबाद की लाइव में जानी भाई बोलते हैं। मैं दुबई में भी मिला जानी भाई को, एक बार खाली दुबई में फोन कर दिया, भाई आप दुबई में बोल के मालूम है कहा दुबई में क्यों बोला, अरे किधर है मिलो। तो जानी भाई लेके जाके एक जगह, आप देखिए हम हैदराबाद के एक्टर मानते हैं कि फिल्में किए बहुत सारे, हमारा अच्छा ही नाम है हैदराबाद में। तो जानी भाई इतनी बड़ी शख्सियत बॉलीवुड को, अगर आज जानी भाई अगर नहीं रहते तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड को आज कौन। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज बहुत ही शुभ दिन है, अजब तमाशा का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ है और ये हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद की प्रोडक्शन, हैदराबाद के कलाकार आज मुंबई में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए क्योंकि ये सिलसिला हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ लाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हैदराबाद की इंडस्ट्री और हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अगर मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज हमारे जॉनी लीवर साहब, सुनील पाल साहब और तमाम कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े बड़े कहना चाहिए बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि मेरा ये गोल्डन जुबली ईयर है, मुझे लाइफ के 50 साल होने जा रहे हैं इस अक्टूबर 2023 में, मैं 50 साल का गोल्डन जुबली एक्टर हो जाऊंगा। मैं इस बात से मैं बहुत खुश हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। होता है काम, कॉमेडी फिल्म बनती है या कॉमेडी का कोई भी बिजनेस होता है, प्ले हो, मूवी हो, वीडियो हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ कॉमेडियन, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और अकबर बिन तबर हैदराबाद के क्या बताऊँ, वहाँ के सुपरस्टार हैं। और आरिफ अनिल को
अनिल कपूर साहब आए, आरिफ साहब ये लोकल लाइक के गॉडफादर हैं, सबसे बहुत सबका ख्याल रखते हैं। और ये कॉमेडी फिल्म जो भी आपने ट्रेलर देखे, ये फिल्म ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग हंसे इंजॉय करें। क्यों आज चाहिए इतने टेंशन में, कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों तक कॉमेडी पहुंचे, लोग ज़रा गुदगुदाए हंसे तो ज़रा अच्छा लगता है। लोगों की दुआएं लोग आए, लोग जब खुश होते हैं वो बड़ी बात। वर्ल्ड की दुआ ले रहे हैं सर। भाई हमने देखा है कि कभी भी मतलब ना आपने कभी भी ऊंच मतलब देखा नहीं है, कि बहुत बड़ी फिल्म है या कोई छोटी फिल्म है, यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है या कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, आप हमेशा यू नो वक्त निकालते हो। हाँ, क्या कहना है, वक्त निकालना पड़ता है क्योंकि हम तो जमीन से आए ना, हमें कोई खड़ा नहीं करता देगा, ऐसा समय था तो हम लोग बहुत ही ज़मीन से आए हैं, बहुत तकलीफ से मतलब बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके आए, तो वो उसको हम अभी तक भूले नहीं, तो खुशी होती है। हमारे भाई लोग बुलाते हैं तो छोटा बड़ा क्या होता है, आर्ट आर्ट होता है, टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो इससे मोहब्बत होनी चाहिए, लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों के सामने लोगों ने हमेशा हमें उठाया है और ये लोग प्यार करते बड़ी बात है, तो उन्हीं की मोहब्बत उनका प्यार खींच लाती है। तो कितना अच्छा कह सकते हैं, यूँ एक जगह पैन इंडिया की बात करें, पैन इंडिया फिल्म, तो एक हैदराबाद की फिल्म है जो यहाँ पर आ रही है मुंबई में, तो लोगों को काम भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि हैदराबाद में बहुत अच्छा, हैदराबाद में इतनी कॉमेडी फिल्में बनती है, कमाल कमाल की फिल्में बनती है और हैदराबाद की फिल्में पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमसे जुड़ जाए तो कॉमेडी में एक इजाफा होगा, बढ़ावा होगा और मज़ा आएगा और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। आप भी हैदराबाद के दिग्गज कलाकार हो, जॉनी भाई यहाँ पर साथ में, वो तो पूरे पैन इंडिया के वर्ल्ड यू कैन से इंटरनेशनल लेवल तक, आज यहाँ पर आए क्या कहना चाहोगे सबसे पहले, इस तरह से उनका धन्यवाद। पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा और साथ में जानी भाई का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि जानी भाई आज ये जानी भाई है, बल्कि ये चमक दिख रही है आपको आज, ये जो लाइटें दिख रही है, जो चमक दिख रही है लोगों के चेहरे पे, जो खुशी दिख रहे भाई, अभी कम से कम एक 200 लोगों को सेल्फी, 300 लोगों को दिए होंगे भाई, मगर किसी को भी इनकार नहीं करे ना, किसी को बाजू खटके खड़ो बोले। अगर कोई दूसरे एक्टर्स होते तो बोलते भाई चलो ना यार, कितना लेट कर रहे हो यार, क्या यार तू, तो ये मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब जानी भाई आते हैं तो ये आप ही का कमाल है, लोग लिंबू घुमाते ना, इन्होंने संतरा घुमाया मेरे। नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में जानी भाई जब भी आते हैं हमारा हैदराबाद जगमगाता है, हमारा हैदराबाद के लोग मुस्कुरा देते हैं। अभी देखिए जानी भाई को मैं खास एक छोटी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, टीवी पे जब ओ माय गॉड इधर ही देखो, जब भी जानी भाई को टीवी पे कोई देखते हैं तो अगर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, इधर कोई बैठा है हस्बैंड, इधर बैठी है वाइफ, जैसा जानी भाई टीवी पे अगर आ गए तो दोनों पास आ जाते तो वो जानी भाई है। ये बहुत बड़ी दुकान है भाई और ये ऐसी दरगाह है, यहाँ पर हर कोई चादर चढ़ाना पड़ता, ये कॉमेडी की दुनिया है ये, और हम इनके शागिर्द हैं, यानी कि हम इनके बच्चे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी किसी को मैं बड़ा नहीं बोलता, मैं जानी भाई को इसलिए बड़ा बोलता हूँ कि जानी भाई के अलग है भाई लोग, ये बॉम्बे के लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम, सारी दुनिया के लोगों को तो मालूम है, जानी भाई की दुआ ले लो, जब तक लोग जिंदा हैं वो जानी भाई की दुआ ले लो, ले लो, सुखी रहेगा बस। मैं सारे बॉलीवुड को मैं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और अजब तमाशा ये जो फिल्म बनी है, इसमें हैदराबादी मुंबई मिक्स है, तो मैं इस पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामना दूंगा, कहूँगा आप जियो हजारों साल, कमाओ माल पे माल, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या हैदराबाद रहो, ऑल द बेस्ट। ATM अजब तमाशा मूवी, कमाओ कमाओ मिशन है, ये मिलकर पूरे कायनात को बहुत खुशी देंगे। और फिल्म जो हमारे अकबर बिन तमर जो बहुत अच्छे एक्टर हैं हैदराबाद के, और उनकी पूरी टीम ने जो सजाई है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऋतिक जो हमारा जूनियर दोस्त है मेरा, हेलो ऑल द बेस्ट दोस्तों, नाश्ता तैयार है, प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, नाश्ता आ गया, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं भूखे यार किस। फिल्म जब खुशी फिल्म बनती है उसका दोस्तों, अभी एंटरटेनमेंट भी होने वाला।
दिस इज ऋतिक और मैं ऋतिक शर्मा हूँ और मैं अभी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिल रहा है इस मूवी में जो बॉलीवुड मूवी है और एक हैदराबाद के अंदर एक बॉलीवुड मूवी होने जा रही है और जिनके प्रोड्यूसर है हमारे क्या नाम है अमित कुमार अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर नईम अहमद जी और हमारी एक्टर जो तनुजा। ये लोग इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बॉलीवुड में इतिहास रच दिया इसने क्योंकि पहली बार हैदराबाद के कलाकारों की हिंदी मूवी का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ वो भी जॉनी लीवर साहब जैसे हमारे लीजेंड कॉमेडियन के।